क्या आप करते हैं? क्या आप देखते हैं? क्या आपको होता है? अगर दोस्तों ये सब चीजें होती हैं आपके साथ में, तो आप कैसे अपने ब्रेन को, अपने माइंड को रिवायर करें, कैसे अपने माइंड को कंट्रोल करें। दोस्तों जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, ये हमारी ये मानसिक प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों, ज्यादातर हमारे लिए इसको कंट्रोल करने के लिए अपने माइंड को थोड़ा शांत बनाना होगा, अपने माइंड को थोड़ा तेज बनाना होगा। वो कैसे बनेगा दोस्तों? वो कौन सी योग क्रियाएं हैं जो हमारे ब्रेन को रिवायर करेंगी, एक तरीके से रिपेयरिंग का काम करेंगी। बहुत से ऐसे एक्सपर्ट हैं जो हमें बताते हैं कि अपनी गलत विचारों को कंट्रोल करने के लिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए, लेकिन दोस्तों ये जो मेडिटेशन है ये योगियों का काम है। लेकिन एक योगी बनना दोस्तों, उसके पीछे एक योगी की बहुत बड़ी साधना होती है। आज के समय में हम उतनी बड़ी साधना नहीं कर सकते हैं। लोग सोचते हैं कि आँखों को बंद करके, कमर को सीधे करके बैठ जाना ही मेडिटेशन है। नहीं दोस्तों, शुरुआत हमारे लिए एक ऐसे छोटे फॉर्मेट से करनी होगी जो हमें मेडिटेशन कराने में हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सके। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसी योग क्रिया के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी मेडिटेशन करने में। ज़्यादातर युवा, ज़्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि अपने ब्रेन को रिवायर करने के लिए, अपने दिमाग को शांत करने के लिए वो सबसे पहले मेडिटेशन करने बैठ जाते हैं। आँखों को बंद करके, कमर को सीधी रखकर बैठ जाते हैं। वो सोचते हैं ये मेडिटेशन है, लेकिन फिर बहुत सारे लोग भी ये कंप्लेन करते हैं कि मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा मेडिटेशन करते समय ध्यान इधर उधर भागता है। जब हमारे साथ में ऐसा होता है तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं और मेडिटेशन करना छोड़ देते हैं। यदि आप दोस्तों ऐसा करेंगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपका ब्रेन पावरफुल नहीं बनेगा। आपको करना ये है कि क्यों ना हम मेडिटेशन का एक करें, ए मतलब अनुलोम विलोम। दोस्तों ये एक ऐसी योग क्रिया है और इससे हमारे लिए मेडिटेशन के मिलने वाले फायदे इस अनुलोम विलोम से मिलते हैं। हम ध्यान की मुद्रा में सही तरीके से नहीं जा पाते हैं, ना ही उतनी उस तरीके से मेडिटेशन कर पाते हैं। नतीजा कि हम 2 से 4 दिन के बाद मेडिटेशन ही करना छोड़ देते हैं। अनुलोम विलोम करने के 1 हफ्ते बाद यदि आप मेडिटेशन करेंगे, तब का एक्सपीरियंस और पहले के एक्सपीरियंस में आपको बहुत बड़ा अंतर मिलेगा। दोस्तों यदि आपने अनुलोम विलोम वाली मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो को देखकर आप कैसे अनुलोम विलोम करना है, उससे क्या क्या बेनिफिट होंगे, वो सभी आप जान सकते हैं। दोस्तों इन सभी निगेटिव चीजों पर विजय पाने के लिए आपको मेडिटेशन नहीं करना है, सबसे पहले अनुलोम विलोम, उसके बाद आपको मेडिटेशन में आना है। अगर हम ये प्रोसेस अपनाते हैं, मेडिटेशन करते हुए बोर भी नहीं होंगे और उससे वाले सारे बेनिफिट हमें जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों आज से ही हम शुरुआत करते हैं, पहले अनुलोम विलोम की, फिर मेडिटेशन की। मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।